हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ बालानगर, और मैं बालानगर धनुई से होते हुए जाऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि बालानगर और धनुई जो है वो दोनों बहराइच डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, और बहराइच जो है वो यूपी में लगता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये मेरी बाइक है और ये मेरा घर है, तो मैं इसी बाइक से अभी जाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गाइस, जैसा कि मैं अभी घर से अपने निकल चुका हूँ, एंड आप लोगों को तो पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों से जो है वो मेरे चैनल पे वीडियोज, मतलब ब्लॉगिंग के वीडियोज जो है अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे में रीज़न ये था कि मेरा तबीयत जो था वो ख़राब था, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। लगभग 1.5 महीने तक मेरा तबीयत खराब था, अब थोड़ा बहुत सही हो चुका है, तो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे भी। आई होप कि आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज मैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी मैं रास्ते में हूँ, एंड आप ही लोग देख सकते हैं मैं इसमें बाइक पर बैठा हुआ हूँ, और आप ही लोग यहाँ का सीन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और दोस्तों, ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, ये धनी बिलरवा का रोड है। यहाँ से आप धनी भी जा सकते हैं इस रोड से, और बिलरवा, मतलब धनी और बिलरवा का ये लिंक है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और आप लोग इधर का सीन देख सकते हैं, इस समय जो है वो काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है और जो है लाइटनिंग वो काफ़ी अच्छी पड़ रही है। दोस्तों, अभी मैं धनी जो है पहुँचने वाला हूँ, आप लोगों को धनी चौराहा का भी सीन दिखाऊँगा। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि धनी में मेरा एक दुकान भी है, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि वीडियो में बताई गई जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो दोस्तों, ये लोग जो ये सब आप लोग देख रहे हैं, यही है धनी चौराहा। एंड दोस्तों, ये धनी का जो टावर आपको दिख रहा है, उसके सामने ही मेरा दुकान है, शॉप है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही मेरा दुकान है। मैं आपको भी जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल गारमेंट्स एंड चूड़ी सेंटर, मतलब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और तो और, यहाँ पे आपका पैसा जो निकालते हैं वो भी निकल आएगा। तो दोस्तों, अभी मैं बालापुर के लिए निकल रहा हूँ, और ये धनी में बिल्कुल बीचों बीच का सीन है। आप सभी लोग देख सकते हैं धनी कितने अच्छे से, इधर अगल बगल जो है वो दुकानें हैं। और यहाँ पे दोस्तों, मैं बता दूँ, धनी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप ये लोग देख सकते हैं, ये है इंडियन बैंक, जो कि आप ये लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है और इंटर कॉलेज भी है, जिसका नाम है बीर इंटर कॉलेज। और दोस्तों, अगर आप धनी चौराहे पे आते हैं, तो आपके ज़रूरी सामान सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं कि इसका कोई जवाब नहीं, हर तरफ से दुकानें दिख रही हैं। आप ये लोग वीडियो में देख सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में दुकानें ही दुकानें हैं। और धनी जो है वो इकोना और विशेषरगंज के रोड के बीचों बीच पर था, बीचों बीच में नहीं, बट उसी रोड पे है धनी, इकोना और विशेषरगंज के रोड पे जो है वो धनी पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है सरकारी, लगभग यहाँ पे धनी चौराहे पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, और पुलिस चौकी भी है, और बैंक भी है, और सारी ज़रूरत की जो है वो सामानें मिल जाएंगी आपको। तो चलिए, अभी मैं निकल रहा हूँ बालानगर के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं धनी से होते हुए बालानगर पहुंच चुका हूँ। आप लोगों ने वीडियो में देखा, बालानगर का रास्ता धनी से किस तरह बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बालानगर पे जो दुकानें हैं वो एक साइड में लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो बालानगर पे है वो
काफ़ी कम दुकानें हैं, धनी की अपेक्षा तो बहुत ही कम दुकानें हैं, बट यहाँ पर भी थोड़े बहुत सामान आपको जरूरी के मिल जाएंगे। आप भी लोग इनका सीन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है, अगल बगल जो है वो घरे ही बने हुए हैं। मैं दोस्तों बालानगर गांव में नहीं गया हूँ, आप लोगों को इसीलिए वीडियो नहीं दिखा पाया। अगर मैं जाता तो उस गांव का भी वीडियो बना देता, लेकिन मैं नहीं गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय मैं जो हूँ वापस लौट रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग इधर जो दुकानें वगैरह हैं वहाँ का सीन, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुकानें वो बनी हुई हैं साइड में। और यहाँ पे काफ़ी कम दुकानें हैं, बट आपके ज़रूरत के लगभग सारे सामान यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। सो गाइस, अभी शाम हो चुकी है और मैं अपने घर आ चुका हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगला वीडियो आप लोगों को कहाँ का चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं इसी के साथ समाप्त, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।